हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मैं हूँ पूनम पंजाबी और ब्रह्मा भोजन विद पूनम चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज मैं आपके लिए रुमाली रोटी की रेसिपी लाई हूँ, जो मार्केट में मिलने वाली रुमाली रोटी से हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। हमारे घर में जब भी दाल मखनी बनती है तो हमारे बच्चों की फरमाइश होती है, मम्मा या तो इसके साथ रुमाली रोटी बनाओ या नान बनाओ। तो आज दाल मखनी के साथ मैंने ये रुमाली रोटी बनाई है। दाल मखनी के साथ ये और भी स्वाद देती है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। यहाँ पर मैंने एक कटोरी गेहूं का आटा लिया है, एक कटोरी मैदा लिया है, एक कटोरी दूध लिया है। दूध कम पड़े तो आप थोड़ा और एक्स्ट्रा ले सकते हैं, 3-4 चम्मच। एक चम्मच मैंने नमक लिया है और 4 चम्मच मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल लिया है। तो यहाँ पर एक बड़े बर्तन में मैं डाल देती हूँ गेहूं का आटा, साथ ही मैंने इसमें डाला है मैदा और नमक भी डाल देती हूँ। ये रेसिपी 4 लोगों के लिए परफेक्ट है। अगर आपको 2 लोगों के लिए बनाना हो तो आप इसकी हाफ मेजरमेंट ले लें। ये एक कटोरी दूध है जिसमें से मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल के आटा लगाऊंगी ताकि आटा ज़्यादा गीला ना हो जाए। ये आटा हमें ऐसे गूंथना है जैसे हमारा रोटी का आटा होता है ना, उससे हमें थोड़ा और सॉफ्ट गूंथना है, क्योंकि हमें बहुत पतली पतली और बड़ी बड़ी रुमाली रोटी बेलनी है, तो उस पर्पस से आटा सॉफ्ट होना चाहिए। दूध की जगह आप चाहें तो पानी भी ले सकते हैं, लेकिन दूध से रोटियां थोड़ी सॉफ्ट मुलायम नरम बनती हैं। यहाँ पर एक कटोरी दूध मेरा पूरा यूज़ हो गया है, लेकिन अभी आटा मेरा थोड़ा सख्त है, इसलिए थोड़ा सा दूध मैं और लगभग 1/4 कटोरी और ले लेती हूँ। लगभग 1/4 कटोरी के बराबर हमने यहाँ पर दूध लिया है और इस दूध को भी मैं थोड़ा थोड़ा करके ही डाल के अपना आटा गूंथूंगी। और ये लगभग 1/4 कटोरी के जितना पूरा दूध मेरा इसमें यूज़ हो गया है, जो कि मेरे आटे के लिए परफेक्ट है। और अब इसमें मैं रिफाइंड ऑयल डालकर आटे को गूंथूंगी। इससे हमारा जो ये बर्तन ख़राब हो गया है ना, चिपचिपा सा, तो ऑयल डाल के जब हम गूंथेंगे ना तो धीरे धीरे ये बर्तन भी क्लीन हो जाएगा और गूंथते गूंथते हमारे हाथ भी क्लीन हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारा बर्तन क्लीन होते जा रहा है और आटे में एक अलग ही सॉफ्टनेस, लश्चर सा आ रहा है। हम थोड़ा थोड़ा ऑयल और डालते हुए इसको गूंथेंगे, जिससे हमारा आटा और भी बहुत स्मूथ, सॉफ्ट, स्ट्रेची बनता जाएगा। और ये देखिए हमारे हाथ और हमारा बर्तन सब क्लीन हो गए, मैंने वॉश नहीं किया है, सिर्फ ये आटा गूंथने से ही हो गया है। अब हम बर्तन में नीचे ऑयल डाल देंगे और पूरे आटे को ऑयल से लपेट के उसके ऊपर एक गीले कपड़े से उसको ढक देंगे और 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। आज की जो रुमाली रोटी की रेसिपी है मैं आपको कढ़ाई पर भी दिखाऊंगी, नॉनस्टिक पैन पर भी दिखाऊंगी और हमारे डोसे के तवे पर भी दिखाऊंगी, क्योंकि डोसे का तवा और नॉनस्टिक पैन सबके पास नहीं होते, सिर्फ इसी पर्पज से मैं कढ़ाई पर भी दिखा रही हूँ। यहाँ मैंने 1 चम्मच नमक और उसमें 1/2 कटोरी पानी डाला है। ये घोल जो है हमारा हमारी कढ़ाई के ऊपर जाएगा और नॉनस्टिक की तरह काम करेगा, हमारी कढ़ाई के ऊपर एक लेयर बनाएगा जो कि नॉनस्टिक का काम करेगी। हमारे आटे को भी लगे हुए 15 मिनट हो चुके हैं और देखिए पूरा ऑयल एब्जॉर्ब कर लिया है हमारे आटे ने, बिल्कुल भी ऑयल इसमें नहीं है। और मैं इसे थोड़ा सा ऑयल डालकर फिर से थोड़ा सा और नीड कर लेती हूँ। और चलिए शुरू करते हैं हमारी रुमाली रोटी बनाना। तो इसके लिए पहले मैंने एक लोई बना ली है, आप लोई उतनी ही लें जितनी आपकी कढ़ाई पर रुमाली रोटी आ सके। तो यहाँ पर मैं पहले इसको बेल देती हूँ। बेलने के लिए मुझे डस्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मैदे से ही करनी है, क्योंकि हमने गेहूं का आटा डाला है हमारी रेसिपी में, तो गेहूं की आटे की वजह से हमें इसे बेलने में, बड़ा करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप सिर्फ मैदे की बनाएंगे तो आपको बेलने में काफ़ी दिक्कत आएगी, मैदा बार बार स्ट्रेच होकर सिकुड़ के छोटा होता जाएगा। लेकिन क्योंकि हमने इसमें गेहूं का आटा डाला है तो बहुत ही आसानी से ये बड़ा भी होगा और हेल्दी और टेस्टी भी होगा। देखिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कैसे मेरा हाथ दिख रहा है इस रोटी में से, इतना हमें उसे बेलना है। मैंने अपनी कढ़ाई को यहाँ गैस का फ्लेम ऑन करके उल्टा करके रख दिया है और तेज आंच पर इसको तपा लिया है और नमक वाले पानी से इस पर एक लेयर बना दी है जो नॉनस्टिक की तरह काम करेगी। और ये हमारी रुमाली रोटी को बेलन पर लेकर इस तरह से कुछ
मैंने कढ़ाई के ऊपर डाल दिया है। कुछ ही 4-5 सेकेंड में इसके ऊपर बबल बनने लगेंगे और आपको इसको उल्टा देना है। आपको इसे ज़्यादा देर के लिए नहीं पकाना है, नहीं तो ये बहुत ही ज़्यादा कड़क और क्रिस्पी बन जाएगी। और रोटी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक साफ़ कपड़े का इस्तेमाल किया है। आप कभी भी रोटी बनाएं तो बर्तन और आपका कपड़ा दोनों साफ़ होने चाहिए। मैं आपको एक और रोटी बना के दिखा देती हूँ। यहाँ पर ध्यान देना है आपको, रोटी को ज़्यादा नहीं पकाना है और बहुत गर्म कढ़ाई पर ही डालना है, जिससे रोटी पकने में समय कम लेगी और बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। इसको पकाने में आप जितना ज़्यादा टाइम लेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड और क्रिस्पी बनती जाएगी। तो यहाँ हम एक और रोटी बेल देते हैं हमारे नॉनस्टिक पैन के लिए। रोटी को हम मैदे से डस्ट करते हुए इतना बेलेंगे कि जब तक हमें ये फील ना होने लगे कि अब अगर मैंने इसे बेल दिया तो ये फट जाएगी, तो अब मुझे रुक जाना चाहिए, तब तक हमें इसे बेलना है और बिल्कुल बारीक ट्रांसपेरेंट रोटी बेलना है। और आप चाहें तो बेलन की बजाय इसे अपने हाथों में ही लेकर अपने नॉनस्टिक पैन पर डाल सकते हैं। बस कुछ ही सेकेंड्स में जैसे ही आपको बबल्स दिखने लगे, आप इसको रुमाल से प्रेशर देते हुए उल्टा कर दूसरी साइड से पका लें। इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है। आप चाहें तो इस पर बटर भी डाल सकते हैं। बटर डालने से ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट और डिलीशियस बनेगी। देखिए लग रही है ना, बिल्कुल रुमाल की तरह गर्मा गर्म हमारी रुमाली रोटी। और ये एक और रोटी हमारी तैयार है। आप चाहें तो इसे ज़्यादा सेक सकते हैं, लेकिन कम देर के लिए सेकना है और तेज गर्म तवे पर। और ये हमारी अगली रुमाली रोटी गई डोसे के तवे पर। देखिए हमारे डोसे का तवा कितना बड़ा है, ये 32 सेंटीमीटर का तवा है। ये तवा मैंने विनोद कंपनी का लिया है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, मैंने ऑफलाइन लिया है। और अगर आपको ऑनलाइन लेना हो तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये बहुत ही अच्छा तवा है, इस पे डोसे भी अच्छे बनते हैं। आप सोचिए कि रुमाली रोटी बनाने के बाद भी इसमें इतनी जगह बच गई है, तो डोसा कितना बड़ा बनेगा। मैंने खास तौर पे इसे डोसे बनाने के लिए लिया है। वैसे तो मेरे नॉनस्टिक पैन पर भी मेरा डोसा बन जाता है, लेकिन मुझे बड़े बड़े डोसे बनाने थे, इसलिए मैंने ये बड़ा तवा स्पेशल लिया है। और इस तवे की खासियत है कि इस पर आपको जैसे डोसे बनाने के लिए पहले हम तेल और पानी का छिड़काव करते हैं ना, और फिर कपड़े से पोंछते हैं, तो आपको वैसा नहीं करना है। इस पर आपको डायरेक्ट डोसे बनाने हैं। तो अब हमारी रुमाली रोटियाँ सारी तैयार हैं। देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं, बिल्कुल सॉफ्ट नरम और बहुत ही खाने में डिलीशियस है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपने रिव्यूज़ हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर हमारी वीडियो और रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और एक लाइक तो बनता है। और प्लीज़ शेयर करिए ताकि और लोग भी इस रेसिपी का लुत्फ़ उठा सकें।